हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम एनएम स्टाफनर्स एग्जाम 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका वीडियो पार्ट नंबर 29 में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने टोटल 28 वीडियोस यानी 28 वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। और आप जो लोग भी यूपी एनएचएम एनएम स्टाफनर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको यूपी एनएचएम एनएम स्टाफनर्स एग्जाम 2020 की लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और सेकंड चीज़, अगर आप प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको इसका एग्जाम 2020 का फोल्डर है, उसमें सारे वीडियोस हैं और आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपकी टर्मिनोलॉजी होगी प्रेगनेंसी एंड लेबर, यानी गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी हुई शब्दावली टर्मिनोलॉजी, जो कि हर एग्जाम में दो क्वेश्चन तो अप्रॉक्स पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगी आपको। और इस वीडियो को प्लीज़ अभी से कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है। और ऐसा क्वेश्चन इस वीडियो से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और जो आपको इस वीडियोस में जो भी आपको टर्मिनोलॉजी बताई जा रही है तो इसमें से इस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपी एनएचएम जो हमारा एनएम एग्जाम 2019 में हुआ है 27 जनवरी, उसमें एक क्वेश्चन इसी टर्मिनोलॉजी से आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि क्या है। तो पहली टर्मिनोलॉजी है प्रीमी ग्रेविडा। तो प्रीमी ग्रेविडा का यूज़ किया जाता जब प्रथम बार गर्भधारण करने वाली स्त्री प्रीमी ग्रेविडा कहलाती है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है वहाँ पे कि प्रथम बार गर्भधारण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शंस होगा, तो उसमें क्या होगा आपका आंसर प्रीमी ग्रेविडा सही होगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। तो प्रथम बार यानी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जो जो महिला को होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी है प्रेमी ग्रेविडा। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे ये है आपका प्रेमी पैरा। आपका प्रेमी पैरा हो गया, और वो स्त्री जिसने प्रथम शिशु को जन्म दिया हो, प्रेमी पैरा मतलब वहाँ पे बात करी जा रही वो स्त्री जिसने पहले शिशु यानी पहले शिशु को जन्म दिया है तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रेमी पैरा कहा जाएगा। ओके, तो ये माइन्यूट डिफरेंस है, सबको आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझना होगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे प्रीमी पैरिटी। तो प्रीमी पैरिटी क्या होगा, वो प्रथम शिशु को जन्म देने की अवस्था है, यानी कि जो फर्स्ट फर्स्ट बेबी है तो उसको वो स्टेज जिसमें क्या होता है कोई महिला प्रथम शिशु को जन्म देती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीमी पैरिटी। ओके, और प्रथम शिशु को जन्म देने की बात करी जा रही है और उस अवस्था को क्या कहेंगे हम, प्रीमी पैरिटी। ओके, एंड नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा वर्ड मल्टी ग्रेविडा। ओके, तो मल्टी ग्रेविडा में क्या होगा, ये वो महिला होती है जो इससे पहले गर्भधारण कर चुकी हो, मतलब यहाँ पे बात करी जा चुकी कि जो प्रेजेंट टाइम में जिस महिला ने गर्भधारण किया है प्रेग्नेंट है और उससे पहले भी वो गर्भधारण कर चुकी है, यानी कि ये सेकंड टाइम जो होता तो वो क्या होता है, उसको कहा जाता है मल्टी ग्रेविडा। ओके, तो ये हमारा हो गया वर्ड। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है मल्टी पैरा। तो मल्टी पैरा में क्या है, ये वो स्त्री होती है जो इससे पूर्व शिशु को जन्म दे चुकी है, मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम है इससे पहले भी शिशु को जन्म दे चुकी है तो उसको क्या कहेंगे,
मल्टीपैरा कहेंगे। ओके एंड नेक्स्ट हमारा है पार्टीशन। ओके ये हमारा है पार्टीशन। तो ये क्या है, इसको प्रसोक्रिया भी कहा जाता है। ओके तो ये हमारा हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा है पार्टूरियंट। तो पार्टूरियंट क्या होगा, स्त्री जो प्रसव की अवस्था में होती है, तो क्या कहा जाएगा उसे, तो उसको कहा जाएगा आपका, हाँ, पार्टूरियंट। ओके तो वो स्त्री जो प्रसव यानी कि लेबर के स्टेज में होती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, पार्टूरियंट। एंड नेक्स्ट हमारा है प्यूरपेरा। प्यूरपेरा स्त्री जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया हो, क्या कहलाएगी, प्यूरपेरा कहलाएगी। यानी कि जिस स्त्री ने अभी मतलब कि जन्म दिया हो, यानी कि यहाँ पे बात करी जा रही है जन्म देने के बाद की अवस्था, तो उस स्त्री को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा प्यूरपेरा। नेक्स्ट ये है प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। ओके तो इसमें क्या है, ये शिशु के प्रसव के बाद की अवधि है, ठीक है, जिसमें स्त्री के जनन अंग गर्भावस्था की पूर्व अवस्था में वापस आते हैं। ये क्या है, ये मतलब शिशु के प्रसव के बाद की अवधि है, जिसमें क्या होती है, स्त्री के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, गर्भावस्था यानी जो प्रेगनेंसी है उसके पूर्व की जो अवस्था है उस स्टेज में वापस आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इस अवधि को प्यूरपेरियम कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं ये सूतिका अवस्था, हिंदी में इसको सूतिका अवस्था कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्रेविडा। ये स्थिति वर्तमान एवं पूर्व में उपस्थित रही गर्भावस्था को बताती है, ठीक है, ये वर्तमान गर्भावस्था को और इससे पहले जो पूर्व में उपस्थित जो गर्भावस्था होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेविडा। नेक्स्ट पैरिटी। पैरिटी में क्या है, ये वर्तमान से पूर्व गर्भावस्था की अवस्था है जिसमें स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को गिना जाता है। यानी कि ये वर्तमान से पूर्व गर्भावस्था की अवस्था है जिसमें स्त्री जो पहले बच्चों को जन्म दे चुकी है, टोटल बच्चों को, उसकी संख्या को गिना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ये उस अवस्था को कहते हैं पैरिटी। नेक्स्ट हमारा है नली नली पैरिटी। ये एक स्त्री जो ना तो वर्तमान में गर्भ होती है और ना तो पहले कभी रही है, मतलब वो स्त्री जो प्रेजेंट टाइम में ना तो प्रेग्नेंट है और ना पहले कभी रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नली पैरिटी, उस स्त्री को क्या कहेंगे, नली पैरिटी। एंड हमारा नेक्स्ट ये है नली पैरा। तो नली पैरा ये उस स्त्री होती है जिसने कभी शिशु को जन्म ना दिया हो, वो स्त्री जिसने कभी भी शिशु को जन्म ना दिया हो, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी है वो है नली पैरा। और हमारा है नेक्स्ट वायबिलिटी स्टेज। ये गर्भावस्था की वो अवधि होती है जिसके पश्चात शिशु स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता ग्रहण कर लेता है, और ये लगभग 28 सप्ताह होती है। अच्छा, वायबिलिटी स्टेज में ये है कि ये गर्भावस्था की वो अवधि होती है जिसके पश्चात शिशु स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता ग्रहण कर लेता है, और ये लगभग 28 सप्ताह होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात करी जा रही है गर्भावस्था की, यानी कि प्रसव के बाद की बात करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शिशु स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता ग्रहण कर लेता है, तो ये लगभग 28 सप्ताह होती है, ठीक
ठीक है, तो इसको कहेंगे वायबिलिटी स्टेज। नेक्स्ट हमारा है नली सोमैटिक। ये एक अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में एक जोड़ी यानी एक पेयर कम होता है। तो हमारा जैसे 46 होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स, तो इसमें क्या बात करी जा रही है कि एक जोड़ा यानी कि एक पेयर कम होती है, तो यानी कि 23 की जगह पे 22 होता है, यानी 23 की जगह 22 होगा। तो इस स्टेज को कहेंगे नली सोमैटिक। प्रीमी, प्रीमी का अर्थ यहाँ पे है प्रथम बार यानी फर्स्ट टाइम, प्रीमी। एंड प्राइम, प्राइम वो स्टेज है, ये शरीर की उच्चतम स्वास्थ्य क्षमता को दर्शाती है, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट हेल्थ कैपेबिलिटी है उसको शो करती है। तो ये इसके लिए प्राइम वर्ड का यूज़ किया जाए। तो ये हमारे रही कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि क्या है, जो कि हमारे प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी और क्या है लेबर से जुड़ी हुई है। ये आपकी टर्मिनोलॉजी है प्रेगनेंसी और लेबर से जुड़ी हुई, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैं सारे टॉपिक्स जो है कवर करूँगा, और आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो उसके भी मैं वीडियोस बना दूंगा। और बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग तो जो भी अच्छे टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सारे मैं आपको, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक मैं ऐसे ही आपको वीडियोस ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको तो वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस प्रयास को आप लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें और आपके लिए अच्छा स्टडी मटेरियल लाएं। तो फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर किया करिए। और कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर आपका कोई फेसबुक ग्रुप है या फेसबुक पेज है, उसमें भी आप करिए, जिससे कि और लोगों को भी चैनल के बारे में उन्हें भी पता चलेगा और वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।